नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आपकी अपनी दुकान साउथ वेस्ट कॉर्नर की है, जिसमें वेस्ट में भी रोड लगती है और साउथ में भी रोड लगती है। इसी के साथ साथ आपके यहाँ वेस्ट फेस में साउथ वेस्ट का टी पॉइंट भी आता है। ऐसी दुकान वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि जो टी पॉइंट वेस्ट से ईस्ट की ओर आपकी दुकान के अंदर आता है, उस टी पॉइंट के कारण ऐसे टी पॉइंट को वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। आपकी अपनी दुकान है और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और आप इसमें अपना काम करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहूँगा। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जो आपकी वेस्ट से ईस्ट की ओर टी पॉइंट आती है, यदि ये टी पॉइंट आपका, ये गली आपकी छोटी है और जो आपका मेन रोड है ये रोड लंबा है और इस रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो इस टी पॉइंट का असर कम रहेगा। ये मेरा अपना अनुभव कहता है। इसमें आपको करना क्या है, आपकी जो अपनी दुकान है, इस दुकान में बाहर के भाग में जो आपका फर्श का लेवल है वो बराबर होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। इसमें यदि पत्थर लगे हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि पत्थर नहीं लगे हुए, टाइल्स नहीं लगी हुई है और यहाँ का फर्श का लेवल ऊंचा नीचा है, तो आप इसको एक लेवल में कराएं और यहाँ पर वाइट कलर का पत्थर लगाएं या टाइल्स लगाएं या वाइट सीमेंट का फर्श कराएंगे, तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपकी साउथ की गली है, इस गली में साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेकर साउथ ईस्ट कॉर्नर तक आपने कोई भी दरवाज़ा नहीं लगाना है, एग्जॉस्ट नहीं लगाना है और ना ही यहाँ पर विंडो एसी लगाना है। आप यहाँ पर स्प्लिट एसी लगा सकते हैं, इसका आउटडोर आप बाहर लगा सकते हैं। इसी के साथ अब आप बात करते हैं फ्रंट की। जो आपका फ्रंट का भाग है, फ्रंट के भाग में जो आपका स्टर लगा हुआ है, शटर पर जो कलर होना चाहिए वो वाइट कलर होना चाहिए या सिल्वर कलर होना चाहिए। आपकी जो एंट्रेंस होनी चाहिए वो नॉर्थ वेस्ट के भाग में होनी चाहिए या वेस्ट सेंटर में भी आप अपनी एंट्रेंस कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आपका फ्रंट है, शटर के बाद आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लेकर साउथ वेस्ट कॉर्नर तक ग्लास का पार्टीशन जरूर लगाना है और एंट्रेंस आप नॉर्थ वेस्ट कोने में रखें या वेस्ट सेंटर में रखें। और जहां आपने अपनी सीटिंग बनानी है, वास्तु के हिसाब से जो आपकी अपनी सीटिंग बनती है वो साउथ वेस्ट के भाग में बनती है और यहां पर आपने बैठना है। इसमें साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेके जहां तक आपका काउंटर आता है, काउंटर से एक फिट डेढ़ फिट आगे तक ग्लास लगाना है और यहां पर आप अपनी डिस्प्ले भी बनाएंगे तो वो भी वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा रहेगा। आपकी अपनी दुकान की चौड़ाई कम है तो आपको अपना मेन गेट वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की ओर लगाना चाहिए। आपकी दुकान की चौड़ाई ज़्यादा है तो आपको जो अपनी एंट्रेंस बनानी है वो वेस्ट सेंटर से ही बनानी चाहिए। आपने अपनी दुकान के अंदर जो डिस्प्ले करनी है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर तक साउथ वॉल पर डिस्प्ले करनी है, ऐसे ही आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक नॉर्थ वॉल पर भी आपने डिस्प्ले करनी है। आपकी अपनी दुकान की गहराई ज़्यादा है तो आपने बैक साइड में ईस्ट के भाग में एक अपना स्टोर बनाना है। किराने की दुकान में स्टोर की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि किराने की दुकान में कट्टों के रूप में, पेटियों के रूप में बहुत सारा माल आता है और उसको पैक करके अपने यहाँ डिस्प्ले में लगाया जाता है। उसके लिए आपको करना क्या है, जो स्टोर बनाना है बैक साइड में बनाना है और जो माल आपके यहाँ आएगा, जो कट्टों के रूप में आएगा, जो पेटी के रूप में आएगा, वो आपने इस जोन में यहाँ पर आपने भर के रखना है और जो लड़के, जो स्टाफ उस माल की पैकिंग करेगा वो यहाँ पर इस जोन में बैठकर पैकिंग करेगा।
यहाँ से जो माल पैक होगा वो माल पैक होकर आपका डिस्प्ले के अंदर आ जाएगा। ऐसे में आपने करना क्या है, जो आपका स्टोर बनेगा उसके वेस्ट के भाग में दोनों तरफ आपकी स्टोरेज आ जाएगी, और जो नॉर्थ का भाग है और ईस्ट का भाग है यहाँ पर आपका हल्का सामान आ जाएगा, और जो आपका साउथ ईस्ट का साउथ की दीवार के साथ का भाग है यहाँ पर आप हैवी सामान लगा सकते हैं। जो आपका फ्रंट का भाग है साउथ के भाग में भी डिस्प्ले हो जाएगी, नॉर्थ के भाग में भी डिस्प्ले हो जाएगी, ऐसे ही दुकान के ईस्ट में भी आपकी डिस्प्ले आ जाएगी। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आपकी दुकान के अंदर सामान रखा जाता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लेकर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक, नॉर्थ की दीवार पर आपने हल्का सामान लगाना है, और जो आपकी साउथ की दीवार है उसमें साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेकर साउथ ईस्ट कॉर्नर तक इस दीवार पर आपने हैवी सामान लगाना है। अब मैं आपको डिस्प्ले काउंटर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। ये तो हमारा ओनर का काउंटर हो गया, और इसके बाद जो हमारा काउंटर बनता है वो डिस्प्ले काउंटर, यहाँ पर ये हमारा डिस्प्ले काउंटर है, ये भी हमारा डिस्प्ले काउंटर है, और ये भी हमारा डिस्प्ले काउंटर बन जाता है। जो हमारे डिस्प्ले काउंटर बनेंगे इसमें ऊपर तो डिस्प्ले आ जाएगी और नीचे के भाग में स्टोरेज हो जाएगी। किराने की दुकान में, ग्रोसरी शॉप में फ्रिज और डीप फ्रिज की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो आप फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर लगाएं। किसी कारण से आपको यहाँ पर फ्रिज लगाने की जगह नहीं मिलती तो आप नॉर्थ वेस्ट के भाग में भी फ्रिज और डीप फ्रिज लगा सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है जो आपकी नॉर्थ की वॉल है इस दीवार के साथ आपको फ्रिज चिपकाकर नहीं लगाना। यदि आपने फ्रिज नॉर्थ वेस्ट के भाग में रखना है तो आपने रेड कलर को अवॉइड करना है। अब मैं आपको कैश ड्रॉर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। कैश ड्रॉर आपने कहाँ रखनी है, जो ओनर की सीटिंग है ऑनर की सीटिंग के राइट हैंड पर, यहाँ पर आप कैश बॉक्स कैश ड्रॉर बनाएं। फर्स्ट ऑप्शन में कैश ड्रॉर आपकी यहाँ बनेगी जो कि ओनर के राइट हैंड पर होगी, और दूसरी जो कैश ड्रॉर बनेगी वो आपकी वेस्ट वाले काउंटर पर ईस्ट की ओर ओपनिंग होती हुई बनेगी। आपके यहाँ रूटीन में जो पैसा आता है, जो कस्टमर पैसा देकर जाता है, राइट हैंड वाली ड्रॉर में रखना है, और उसके बाद जब पैकेट बन जाता है, पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, या बैंक से पैसा आ जाता है, या उधार लेने वाला जो कस्टमर है वो पैसे दे जाता है, तो वहाँ से पैकेट बनाकर आपने वेस्ट में साउथ वेस्ट कॉर्नर की ड्रॉर में रखना है, जो ड्रॉर ईस्ट की ओर ओपन होती है। इसी के साथ जो आपकी अपनी चेकबुक है, क्योंकि जो माल आता है उसके लिए जो सेल्समैन आते हैं वो पेमेंट लेने के लिए आते हैं, उसको कैश या जो चेक देना है वो आपने इस ड्रॉर से, यानी जो ड्रॉर आपकी ईस्ट की ओर ओपन होती है उससे आपने पैसा देना है, क्योंकि इसमें रखा हुआ पैसा हमेशा बरकत देता है आपको भी, और जिस कंपनी से आपके पास माल आ रहा है उसको भी। अब इसके बाद बात करते हैं हम मंदिर की। आपने अपनी दुकान के अंदर, अपनी ग्रोसरी शॉप के अंदर मंदिर कहाँ लगाना है। मंदिर जो लगाना है आपने, वो आपका जो रैक ईस्ट की दीवार के साथ बना हुआ है, इसमें ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट के भाग में जहाँ आपको स्पेस मिलता है यहाँ पर आप अपना मंदिर बनाएं। आपके यहाँ कस्टमर कम आता है तो यहाँ पर, यानी साउथ ईस्ट के भाग में ज्योत जलाने से आपके यहाँ कस्टमर का आगमन ज़्यादा होगा। आप मेरी बातों को सुनकर, समझकर और विचार करके अपनी दुकान में इस सेटअप के अनुसार चेंजेस करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ वर्किंग अच्छी आ जाएगी। आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।